हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस दे विच असी प्रेजेंट टेंस नू कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट इनडेफिनिट नू भी असी पढ़ लिया है। आज पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस नू असी डिस्कस करना है। पास्ट मतलब बीतिया होया और कॉन्टीन्यूअस मीनस चल रहा सी। पिछले समय दे विच जो चल रहा सीगा वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस है और इहदे विच सिंपली जो रूल है वॉस या वर लगाया जाता है और जिहदे नाल वर की फर्स्ट फॉर्म के नाल आई एन जी लग जाती है। और वॉस और वर किहदे नाल लगना है? सिंपल सिंगुलर दे नाल ही शी इट अगर है उहदे नाल वॉस लगेगा और वर लगाने वास्ते यू वी दे और आई दे नाल भी वॉज लगता है। और अगर आई दे नाल वर लग्या होया तो वो डिफरेंट केस होएगा जिस दे विच कोई एम्बिशन कोई विश अगर एक्सप्रेस की गई है। वुड दैट आई वर अ मिलियनेयर, इस तरीके के सेंटेंस दे विच आई दे नाल वर लगता है, अदरवाइज आई भी सिंगुलर है इहदे नाल भी वॉज ही लगेगा। हुण देखिए अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है और सिंपल सेंटेंस दे विच पॉजिटिव स्टेटमेंट है दैन एग्जाम्पल आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं कल एक लैटर लिख रहा सीगा, पास्ट दी गल है। शी वॉज डांसिंग इन द हॉल, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट द एग्जाम्पल है। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव दे नाल वॉज दे नाल या वर दे नाल नॉट लग जाएगा। दे वर नॉट प्लेइंग मैच, बीते हुए समय की गल है, पिछले समय दे विच ओ मैच नहीं खेल रहे सी। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, नो आई वॉज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर मैटर, वी वर नॉट रीडिंग दैट बुक, वर नॉट वॉज नॉट वर नॉट। अगर इंटरोगेटिव केस हो, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट दे विच वॉज या वर तो सेंटेंस नू स्टार्ट किया जाएगा और फिर सब्जेक्ट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी इस तरीके दे नाल रूल चलता है। वॉज शी डांसिंग इन द हॉल, was were they playing match। और अगर नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है उस केस दे विच की होएगा, was then subject, was या were then subject plus not verb the first form ing। for example were they not taking interest, was she not reading her book। इस तरीके दे नाल अज जो असी रीड किया कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस दे रूल दे अकॉर्डिंग
was singular ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਰ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ